यस रिपु, कैसे करेंगे रिपु? फर्स्ट रिली हम क्या करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन में टू की टेबल में 12 देखना है। टू की टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है? मुझे नहीं पता। यस रिपु, टू की टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है बताओ? मैम टेन टेन नाइन्स आता है। नाइन्स हाँ रिपु, 12 का टेबल, 2 का टेबल बोलो। 2 1 जा टू 2 2 जा 4 6 2 3 जा 2 4 जा 8 10 2 5 जा 2 6 जा 2 7 जा टू सेवन जा 14 2 8 जा टू एट जा 16 टू 2 9 जा नाइन जा 8 20 2 9 जा 18 2 10 जा 20। तो आप बताओ, 2 की टेबल में 12 कितने टाइम्स आया? टू टाइम नहीं रिपू, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12। ट्वेल्व 6 टाइम्स आया तो 6 लिखेंगे। 6 टाइम क्या आया? 12। बस तो अब माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा आंसर, क्योंकि आप 2 में से 2 माइनस करो, 1 में से 1 माइनस करो, देन 0। रिपू मुझे लग रहा है आपके सिग्नल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। रिपू ऑडियो नहीं आ रही है। यस रिपु, क्लियर हुआ? 2 के टेबल में पहले हम 12 देखेंगे कि कितने टाइम्स आता है। जैसे 2 के टेबल में 6 टाइम्स आता है, 2 6 12। ठीक है, तो हमने 12 लिखा, 2 6 12। और जब ट्वेल्व आप 2 में से 2 माइनस करोगे, 1 में से 1 माइनस करोगे, तो हमारा आंसर आएगा 0। ऐसे हम करेंगे 4 के टेबल में 36 कितने टाइम्स आता है बताओ? थर्टी 4 के टेबल थर्टी में 36, 4 का टेबल बोलो। 4 1 जा
एट फोर 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 थ्री इज अ फोर थ्री इज अ यस फोर वन जा फोर फोर टू जा एट फोर थ्री जा ट्वेल्व फोर जा सिक्स सिक्सटीन वेरी गुड फोर फाइव जा टू जीरो ट्वेंटी टू फोर ट्वेंटी फोर टू एट ट्वेंटी एट थ्री सिक्स थर्टी सिक्स और थ्री टू कहाँ गया फोर एट जा थर्टी टू फोर नाइन जा थर्टी सिक्स तो थर्टी सिक्स कितने टाइम्स आया नाइन टाइम्स देखो काउंट भी कर सकते हो आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन फोर नाइन जा थर्टी सिक्स तो क्या ऐसे करेंगे नाइन यहाँ लिखेंगे और थर्टी सिक्स इसके नीचे लिखेंगे और माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा जीरो ठीक है अब सेवन के टेबल में देखो ट्वेंटी एट कितने टाइम्स आता है सेवन के टेबल में ट्वेंटी एट सेवन के टेबल में ट्वेंटी एट बताओ कितने टाइम्स आएगा टेबल में ट्वेंटी एट कितने टाइम्स आएगा सेवन सेवन मैम फोर टाइम्स फोर टाइम्स तो कैसे लिखेंगे ट्वेंटी एट सेवन फोर जा ट्वेंटी एट ठीक है माइनस करोगे तो जीरो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थोड़ा आप समझ में आया रिपू कैसे किए हमने ये क्वेश्चन यस मैम ठीक है अब जैसे मैंने आपको दिया 16, 21 और 54 divided 9 तो कैसे लिखते हैं फोर के टेबल में पहले ये वाली डिजिट्स लिखते हैं इधर वाली तो फोर के टेबल में आप अपने राइट हैंड साइड की डिजिट लिखोगे पहले फोर के टेबल में 16 बताओ कितने टाइम्स आएगा रिपु बोलो फोर के टेबल में 16 कितने टाइम्स आएगा बोलो रिपू फोर के टेबल में 16 सिग्नल प्रॉब्लम बहुत हो रही है आपके यहाँ वेरी गुड फोर टाइम्स और 16 कहाँ लिखोगे 16 वेरी गुड 16 चलो अब माइनस करो इनको तो आपका आंसर क्या आएगा जीरो वेरी गुड अब सेवन के टेबल में 21
three times. Very good. 90 table में 54. 90 table में 54. Yes, Ripu, बोलो. Nine, very good. आपने तो इतनी देर में कर भी दिया. करेक्ट. चलो अब रिपू अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसकी. अब आप अपनी कॉपी में करेंगे इसको, ठीक है? मैथ्स की कॉपी निकालो. मैथ्स की कॉपी निकालो. यहाँ पर ऊपर फर्स्ट पेज पे लिखो डिवीजन. डी आई वी आई एस आई ओ एन डिवीजन. डी आई वी आई S I O N N O N division. चलो फर्स्ट क्वेश्चन करो. 27 divide 9. Second likho 72 divided 9. Third one is 45 divided 5. Yes, Ripu. Now, कैसे करेंगे? 9 लिखेंगे. यहां लिखो 9. 9 के टेबल में हमें 27 देखना है. 9. 9 के टेबल में 72. थर्ड क्वेश्चन में 5. 5 की टेबल में 45.
नाइन की टेबल में 27 कितने टाइम्स आता है रिपू? नाइन की टेबल में 27 8 टाइम्स आता है। बच्चे बोलो, नाइन का टेबल बोलो, पता चलेगा। नाइन वन जा नाइन, नाइन टू जा नाइन, टू जा 18, नाइन थ्री जा नाइन थ्री जा अपनी कॉपी भी करनी है रिपू, और अपनी कॉपी पे ऐसे करना 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है? ऐसे सॉल्व करना। एक के नीचे एक करना, माइनस 0। अब 9 के टेबल में 72 बताओ। 9 के टेबल में 72, यस रिपू बताओ 9 के टेबल में 72 कैसे करोगे? वेरी गुड, 8 times 72। एंड 5 के टेबल में 45, यस 5 9 45, देन माइनस 0। द माइनस, माइनस क्यों कर रहे हैं? माइनस करते हैं यहां पर, हम माइनस करेंगे 0 इसलिए लिख रहे हैं रिपू, क्योंकि आप 5 के टेबल, अगर 5 में से 5 माइनस करोगे तो भी 0 आएगा, 4 में से 4 माइनस करोगे तब भी 0 आएगा, इसलिए हम एक 0 बना देते हैं बस वहां पर, ठीक है ना? Yes, ma'am. इसलिए कंफ्यूजन मत करना इसमें कि 0 कहां से आ रहा है इसमें। फोर्थ क्वेश्चन, पहले ये कंप्लीट करो। 15 इसीलिए मैं आपको रिपू कह रही हूँ, रोज टेबल रिवाइज करो, जिससे आपको याद भी रहेंगी, मल्टीप्लिकेशन भी इजली होगा और डिवीजन भी इजली होगा, ठीक है? और आज हम 19, आपको मैंने 17 तक टेबल्स करा दिए ना, आज 18 का टेबल करेंगे हम। और कल को मैं, कल, अच्छा कल तो आपकी छुट्टी रहेगी सैटरडे, रिपू आंसर आप बताओगे इसके मुझे, इस टेबल में कौन सी डिजिट आती है, कितने टाइम्स, कितने टाइम्स? हाँ जैसे 3 के टेबल में 15, 8 के टेबल में 32 और 7 के टेबल में 49। 3 के टेबल में 15, 15 बोलो, 15 पहले क्या आएगा? 15 आएगा, थ्री का टेबल पढ़ो, 15 कितने टाइम्स आ रहा है? 5 टाइम्स, वेरी गुड, 5 टाइम्स, 3 5 15। एट के टेबल में 32,
32, 8 के टेबल में 32। Four times. Very good. 32. सेवन के टेबल में 49। फोर्टी नाइन कितने टाइम्स आता है? एट टाइम्स। नो, सेवन वन जा नाइन टाइम्स। नाइन नहीं, गलत। चलो मैं पूछ रही हूँ, आप टेबल बताओ। सेवन वन जा सेवन, सेवन टू जा 40, सेवन थ्री जा टू, वेरी गुड। सेवन फोर जा टू, एट ट्वेंटी एट, थ्री सेवन जा, सेवन फाइव जा, सेवन फाइव जा फोर, सेवन सिक्स जा फोर, सेवन सिक्स जा 40, 42, सेवन सेवन जा, सेवन सेवन जा फोर, नाइन, वेरी गुड, 49। रिपो हो गया, कॉपी पे लिख लिया आपने मैम? यस रिपो, मैम लिख लिया। ये सिक्स क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया आपने? क्वेश्चन ये हो गए ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। वन टू एंड फिर
फिर फोर सिक्स फाइव सिक्स, आपने सिक्स क्वेश्चन कंप्लीट लिख लिए अपनी कॉपी पे? फाइव सिक्स यस मैम। ठीक है, मिनिमम से हम 10 करेंगे, उसके बाद में हम आगे का वर्क करेंगे। ठीक है, चलो सेवेंथ क्वेश्चन करो। नीपू कॉपी पे करो, इस पे नहीं करो, बोर्ड पर कुछ भी कॉपी पे करो अपनी। चलो एट के टेबल में 40 बताओ रिपू फर्स्टली। रिपू एट के टेबल में 40 टेबल में मैम एक बार मैं लिख लूं फिर। ठीक है, स्पेस छोड़ देना क्योंकि ये आपको सॉल्व भी करके करने हैं। यस मैम। टू की टेबल में 18 नाइन टाइम्स। वेरी गुड, ये तो आपको याद है, टू की टेबल में 9 टाइम्स 18। चलो ये तो सॉल्व हो गया। टू सिक्स और सिक्स की टेबल में 24 सिक्स की टेबल में 24 आता है। वेरी गुड, 24। ओके, अभी फर्स्ट आपका सेवन सेवन रह गया और एट सेवन, एट में 40 कितने टाइम्स आता है? मैं एक बार कर लूं मैं फिर। ठीक है, 40 टाइम्स आता है। 40 टाइम्स नहीं, 8 के टेबल में 40 कितने टाइम्स आता है? 4 टाइम्स। नहीं बोलो, 8 वन जा 5 टाइम्स मैम। नहीं, 8 का टेबल बोलो, 8 वन जा 8, 8 टू जा
40 हाँ कितने टाइम्स बोला मोर टाइम्स नहीं अब 8 का टेबल बोलो 8 वन जा 8 8 टू जा 16 8 3 जा 8 3 जा 3 2 4 24 24 8 4 जा 12 3 2 32 8 5 जा 8 5 जा 8 5 जा 5 जा 4 0 40 तो कितने टाइम्स हुआ 5 टाइम्स 8 5 जा 40 फाइव की टेबल में 25 25 की टेबल में 5 टाइम्स वेरी गुड 5 एंड 25 माइनस 3 यस रिपु चलो मैं अब आपको होमवर्क के लिए दे देती हूँ फिर उसके बाद में हम 18 का टेबल लिखेंगे टाइम जरूर हाँ बोलो एक बार ये क्वेश्चन लिख लो ठीक है कंप्लीट हो गया रिपू यस नो मैम क्वेश्चन लिख लिए अब आंसर हो लिख मैम Yes, Tipu. Mama, yes. Mama, yes. Done. Okay.
चलो रिपो ये आपने होमवर्क के लिए लिखो आप। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं रिपु, आराम से कर सकते हो आप इन्हें। आप करना आप तो बस इसको क्वेश्चंस को कर लो आप, होमवर्क में करना ही नहीं। यस मैम जब रिपु तुम्हें कुछ समझा रहे हो ना तो नेटवर्क चले जाते हैं, और आप देखो बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं नेटवर्क तुम्हारे। जैसे कुछ समझाऊंगी ना और ये कुछ क्वेश्चन पूछूंगी तो ही तुम्हारे नेटवर्क डिन हो जाते हैं। ये टू के टू ये दोनों सेम, अच्छा सेम हो गया। अच्छा 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 चलो डिजिटी चेंज कर देती हूँ।
चलो ये करते हैं 14 के टेबल में, वो 14 7 के टेबल। ओ ये फिर हो गया दोबारा। कौन से नंबर पर आ गए, आ गए रिपु? कौन से नंबर पर आ गए? 9th नंबर पे। ओके
इलेवन की टेबल में, इलेवन की टेबल कहाँ है? एट की टेबल में 40 की टेबल में 40 आएगा। और सिंपल आप इसके आंसर भी लिख सकते हो रिपू, जैसे आपको क्या लिखना है, थ्री के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है, आप बोलोगे 4 टाइम्स, तो आप इसको बस यहाँ पर 4 लिख दो, कंप्लीट। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, ये फिलिप्स की तरह यू कर सकते हो आप। फोर फोर ऐसे जो भी जो आंसर होगा वो डायरेक्ट आंसर होगा ना, आपको आंसर पता हो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे 2 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है, 12 के टेबल में 3 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम, ओ सॉरी 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स, 8 2 के टेबल में 8, यस। तो आप इनका सिंपली आंसर भी लिख सकते हो सिर्फ। मैम ये डब, ये डब डब की डब मैं ना ऐसे लिख दूंगा, ठीक है? तो अच्छा चलो, अगर ऐसे बताना हो तो थ्री की टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12, देखो देखो सुनो रिपू, मैं आपको सिर्फ आंसर बता देती हूँ, आप लाइन में लिख लेना। ऐसे ऐसे लिख लूंगा मैं, ऐसे लिख लोगे, एक और तरीका बता रही हूँ मैं, सुन तो लो आप। थ्री के टेबल में 12 देखना है तो थ्री के टेबल में आप 3 4 12 होता है तो 4 टाइम्स, 8 2 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स, 2 4 8, 5 के टेबल में 15, 5 3 15। रिपू बोर्ड पे, बोर्ड पे देखो, 7 की टेबल में 14, 7 2 14, तो सिंपल सिंपल आंसर लिख सकती हो आप चाहो तो, ठीक है? कोई जरूरी नहीं है, सिंपली आंसर लिख लेना। अगर 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स, तो आप 4 लिखोगे बॉक्स में, 2 के टेबल में 8, 4, 5 के टेबल में 15, 3 टाइम्स, 5 3 15, 7 के टेबल में 14, 2 टाइम्स, ठीक है? जैसे आपको कंफर्टेबल लगे ऐसे कर लेना, बट मैं इस तरीके से भी करवाऊंगी आपको क्वेश्चंस फिलअप्स में। आपको बॉक्सेस दे दिया, आप डायरेक्ट आंसर लिखो, वो तो आपको सिखाने के लिए है कि डिवीजन किस तरीके से करते हैं, ठीक है?
चलो रिपु, इससे पहले तुम्हारे नेटवर्क जाएंगे, होमवर्क सुनो अपना पहले। अभी तुम्हारे पास 10 मिनट्स हैं, पहले आप मेरा आप होमवर्क सुनो। यस रिपु, नेटवर्क जाए इससे पहले सुनो, ये तो होमवर्क के लिए आपके ये क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। एक माय फैमिली का ऐसे कंप्लीट याद करोगे। यस मैम। कंप्लीट लर्न करना है, 5 लाइंस करवाई है मैंने, 5 लाइंस पूरी आपको लर्न करनी है, ठीक है। yes, और 2 से लेके 17 तक सारी टेबल्स रिवाइज करेंगे आप। यस मैम। ठीक है, चलो हम और थोड़ी सी क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी 10 मिनट्स हैं और कुछ नया वर्क हो नहीं पाएगा। तो आपको एक वर्क हो गया डिवीजन के क्वेश्चंस का, माय फैमिली का ऐसे पूरा कंप्लीट याद करोगे। मैम यस रिपु मैम, 18 का टेबल अब आप लिख नहीं पाओगे ना, मुझे पता है आप नहीं लिख पाओगे अब मैम। मैम मेरे पास ना एक येलो बुक है, उसमें से देख के मैं याद कर लूंगा। नहीं तो आप याद हो 2 से लेके 17 तक के टेबल ही रिवाइज कर लो पहले, 18 का टेबल बाद में कर लेना। यस मैम। ठीक है, पहले माय फैमिली का ऐसे आप कंप्लीट लर्न करेंगे, 2 से लेके 17 तक की टेबल्स सारी रिवाइज करेंगे, ओके। और ये वाले क्वेश्चंस हो गए, 3 वर्क हो गए आपके, 2 इंग्लिश के 2 मैथ्स के और 1 इंग्लिश का होमवर्क है ये। सैटरडे संडे हाँ, अरे 2 मैथ्स के हो गया ना, एक ये डिवीजन वाला हो गया और एक आपके 2 से लेके 17 तक के टेबल्स रिवाइज करने हैं। यस ठीक है, 18 का टेबल बाद में करना है, पहले आप माय फैमिली का एससी कंप्लीट लर्न करो दोबारा। यस आगे जब ही करेंगे हम। और रिपु, सैटरडे संडे तो ऑफ रहेगा अब आपका, मंडे को होगी क्लास, तो आपको बहुत टाइम है सैटरडे में आराम से बैठ के याद करो माय फैमिली, फिर संडे में भी याद करो और रिवीजन करना है, ठीक है। और ये वाली सब साझी कंप्लीट कर लेना आप, 2 दिन की। सैटरडे संडे तो ऑफ रहता है आपका, ऑफ क्या, ठीक है। तो ऑफ मीन्स छुट्टी रहेगी, छुट्टी है, छुट्टी छुट्टी रहती है ना सैटरडे संडे। तो इन क्वेश्चंस को तो आप आज ही करोगे डिवीजन वाले, और ये कल माय फैमिली का ऐसे लर्न करना शुरू करोगे, संडे में रिवाइज करोगे, और 2 से लेके 17 तक का टेबल कल भी रिवाइज करोगे और संडे में भी। क्लियर? यस। हाँ ये यस हो जाती है, लेकिन सब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के टाइम पे नहीं बताते हो। चलो 2 6 प्लस 4 6, 2 क्वेश्चंस कर लो, अभी तो बस 5 मिनट्स रह रहे हैं। 4 9 प्लस 2 5, करो रिपु उन क्वेश्चंस को, बोर्ड भी कर देना, लाइंस खींच लो फटाफट। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 and 6, ठीक है, काउंट करो, 6 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या कर रहा, 1 2 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस कर दी है, 7 6, बस अब कर, अब काउंट करो, 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10 and 11, 11 हुए, अच्छा
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ट्वेल्व अपने आप ने करा है ट्वेल्व, तो टू यहाँ वन कैरी का, अब इनको जोड़ो, अब इनको ऐड करो, वन टू फोर और टू वन कितने होंगे, अपने आप करो, फोर प्लस टू प्लस वन, अच्छा अच्छा फोर प्लस टू प्लस वन, वन टू थ्री फोर, वन टू और वन, काउंट करना जरा, वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड फाइव एंड सिक्स एंड सेवन, वेरी गुड सेवन, नाउ नाइन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, काउंट, वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड फाइव एंड सिक्स एंड सेवन एंड एट एंड नाइन, नाइन और टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, फोर्टीन वन इज कैरी, नाउ फोर प्लस टू प्लस वन, अगेन वन टू थ्री फोर, वन टू और वन, काउंट करो रिपू, वन टू थ्री फोर सेवन, वेरी गुड, ओके चलो रिपू अब मंडे में मिलते हैं, बाय बाय मैम, बाय बाय, अब होमवर्क कर लेना अपना, बाय 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 मैम।